हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज थोड़ा खुशी का दिन है, आज मैडम का घर से गेस्ट आने वाले हैं। मैडम का सिस्टर, असिस्टेंट, हाउसकीपिंग, फेस्टकीपिंग, कौन सी होता है, सब लोग आए, सब पूरा ग्रुप आने वाला है। तो उसके लिए पूरा तैयारी चल रहा है घर में, साफ सफाई वगैरह वगैरह कौन सी होता है, यहाँ भी चाय। सुनो ना, हम सोच रहे लकड़ी में मटन बना रहे हैं ना। लकड़ी में मटन। गुड मॉर्निंग गाइस, हम देख ही नहीं रहे हैं, देखिए मेरा हालात। रूम को भी ठीक ठाक करना है, अब बाबू का रोटी खिला देते हैं। सबसे पहले बाबू को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि रोता रहेगा दिन भर तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। मौसम कुहासा वाला है अभी, कपड़ा बहुत धोया है कल का भी, कपड़ा धुलाया है शाम में, कल दोपहर में धुलाया था, इसलिए नहीं सीखा। मौसम इधर खराब है, कल भी खराब है। सब लोग सादा भात बना लेंगे, नहीं खिलाएगा पूरा, रात में बना लेंगे सबके लिए, है ना। हाँ, अभी हमको जाना है बाहर, कहाँ जाना है, और मांगी तो सामान सुबह जाता जल्दी ना तो लेके। पापा ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी से आएंगे तब तो निकले हम, जल्दी से लेके आएंगे तो जल्दी कल भी बना उना के रख देंगे गाइस, उस समय दिक्कत नहीं होगा, बस गर्म करके दे दिया जाएगा। हाँ। वो लोग निकलेगा तब हम आएगा तो भी पुलाव तो तुरंत बन जाता, भूंज के रखेंगे, पानी लेट से डालेंगे। अब आएगा कहीं तो थोड़ा सा बैठ के बात उत करेंगे, चाय पानी पिएगा, पहले बना उना के रख लेंगे। अब और बच्चा के चक्कर में तो परेशान भी करता है बच्चा। हाँ। बस कुछ नहीं बनेगा, मटन बनेगा और थोड़ा सा पुलाव बनाएंगे उन लोग के लिए। हम लोग के लिए सादा भात मटन। पापा आ गए, ससुर जी का चाय बन रहा है, ससुर जी को चाय देंगे, कल नहीं दिए थे गाइस। जान खोलो रोटी बन, गाड़ी गाड़ी आ रहे हैं। ओह बाबू है, वही से बजा रहा हूँ। गाड़ी देख के इतना खुश होता है ना, चढ़ जाएगा सर पटक के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मटन बनाने। काम करने लगता है ना तो अच्छा हगुमैन लड्डू खाएगा इधर। तो गाइस सारा काम खत्म हो गया, बस गेस्ट का वेट कर रहे हैं, तो गेस्ट का ही लेट हो रहा है। गेस्ट इतना हो गया ना, हड़बड़ी में सब कुछ बनाया ना, इसीलिए बनाया कि बाबू परेशान करता, बाबू सो रहा था, बना के रख देते, बस गर्म करना है। और हम लोग खाना खा लिए हैं, नाश्ता करके सब लोग, मौसा भी खा लिए, सो रहे हैं, पापा चले हैं बकरी लेके उधर, मम्मी भी गई है, मम्मी मार्केट गई है सोनार के दुकान, बाबू के लिए कुछ लेने गई, छोटा बाबू के लिए। हाँ अभी आएगा छोटा बेबी उसके लिए। और क्या बोले था, हम लोग इतना हड़बड़ी में बनाए, बस थोड़ा सा पुलाव बनाएंगे अभी तो ठंडा हो जाएगा। पुलाव बाकी है बनाना, बस सब कुछ बन आएगा। अभी लड्डू नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा दूर के चल गया खराब लग रहा है। दिन भर हम तो ताकते हैं। ये सब पेड़ हम ना जाने से पहले लगाए थे, यहाँ कितना महीना हो गया, एक साल हो गया ना रे, एक साल में इतना बड़ा बड़ा हो गया, ग्रीन ही इसका दूसरा, सुंदर हो गया, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है देख के, बढ़ जाता है। ये मुर्गी को भी खाना है देखो, ये वाला खाएंगे, कहेंगे ना ये पूजा गोरैया रखाया गया था वो वाला है। हाँ मुंडली मुर्गी है, नहीं नहीं बड़ी वाली पापा बोले, नहीं तो ठीक तो है, यहाँ पर देखो तो कुछ है, यहाँ दाग है अभी नहीं तभी से, मेरा भी है। हाँ, तेरा नहीं है यहाँ पर, तेरा ये ठीक हुआ जी, बोला छाला। हाँ हाँ रुक ना तो दूर, यहाँ पर कट है, तेरा भी फुंसे से हो गया बाबू, यहाँ रात में धुसुम से ना मारा सोवल में, अंदर से फूल गया, यहाँ पर कुछ है नाक के पास। चलो हम रुके खाएंगे, बहुत मीठा लगता है, छोटा छोटा है, चलो
उसके बाद पुलाव बनाएंगे ना। ये सब बहुत मिस करते हैं जब यहाँ से जाते हैं ना, ये सब मिस करते हैं बगान अपना, बगान का हरियाली। हम लोग का तो 12 माह यहाँ हरियाली रहता है, क्योंकि कुआँ है तो यहीं से सारा पानी उनी का इंतजाम हो जाता है, तो अच्छा लगता है देख के सुबह उठता है। ये सब है अच्छा लगता है जानती है, देखो इसको भी तोड़ के खाएगी ना तो अच्छा लगेगा, ये छोटा वाला है समझे, खा के देखो तो अच्छा लगा ना, मीठा है गाय का, खाली इसको ऊपर का चुंदी नोचे, खाली छिलका खाओ ना इतना मीठा लगेगा ना, एकदम मस्त। नहीं नहीं दवा नहीं डाल, देखो ये देखो ना कितना फल है इधर, झुबरी हो वाला पता नहीं चलता है पत्ता में, वो वाला वो जो बड़ा वाला है ना वो इतना बड़ा बड़ा फलता है, लेकिन ना वो अभी ख़त्म हो गया सब, माँ बेच दी बोल रही थी। और ये वाला भी फला है, सब भी सब फला है, सिर्फ वो येलो वाला नहीं फला, वो पीला फलता है, अंदर पीला रहता है, बहुत मज़ा आता है वो, और अच्छा लगता है खाने में। ये छोटा वाला हो गया, जबकि सब एक एक पेड़ का पौधा है, वही पेड़ का ना, सब छोटा पेड़ का पौधा है। एक तोड़ दो, हम भी खाएंगे, चिकन देख के तोड़ना है, तोड़ो कौन सा, मजा आ गया, जबरदस्त। तो तुरंत तोड़ के तुरंत खाने का मजा ही अलग है। सिम भी ढेर सारा फला हुआ है, जाएंगे रे कम है इसको ना तोड़ के लेते जाएंगे, मुझे तो पसंद है ना इसलिए, मिर्चा भी तोड़िए लेना बहुत है समझे। अब कब आएगा गेस्ट, गेस्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग, आए तो दिन दिन में अच्छा होता है, दिन में आके खा पी के आराम से, अभी धूप है आंगन में भी धूप है तो बैठ के आराम से धूप का मजा लेते रहते, खा पी के निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। धूप खत्म हो जाता है तो बहुत ठंडा लगता है इस एरिया में खास करके, आज इसके बाद फिर रास्ता है क्या ठंड, कांके अपना कांके में सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है, टेस्टी लग रहा है। तो वहाँ है ठीक है, क्या लड्डू तेरा भाई का है, छोटा भाई का ठीक ठाक, मोटे हो गए। देखो देखता कैसे है देखो बेटा कौन है, अरे वाह ये मेरा साढ़ू का छोटा बेटा, सुंदर बात है लेकिन चुटकू ठीक है। और आपका ठीक है, ये तो एकदम लड़का वाला कोट लगा के आए जी, है चलो बाय। तो देखिए यार मैडम बर्तन धो रही है, अभी हम बन गए हैं अभी बर्तन धोने का लेट सब कुछ बढ़िया से रहा, थोड़ा सा लेट हो गया, अंधेला हो गया, लेकिन सब सही से हुआ। आ गई है इसका देखिए दांत फिसल के बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हाँ। नहीं हुआ लेट तो, नहीं हुआ लेट से वो लोग आया ही नहीं, 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 नहीं। दे दो। क्या तुम आया, वो बाबू कुछ मांग रहा, अभी जस्ट गया है लोग, और ये आई है बर्तन साफ कर रही है अभी, हम लोग खाना भी नहीं खाया, कैसा टेस्ट है मटन का ये भी नहीं पता है मुझे, उनसे बोली अच्छा है, अच्छा है ठीक बोले, क्या हुआ चॉकलेट नहीं, चॉकलेट नहीं छाटो यहाँ, रसगुल्ला दे दो, रसगुल्ला दे दो, रसगुल्ला निकाल के दे दो, मिठाई दे दो, मिठाई खाओ मिठाई, मिठाई खाना मिठाई मिठाई
खाना पीना हो गया, जस्ट हम लोग खाना खाने के लिए गर्म कर ही रहे थे खाना, कि लाइट कट गया उसी में ही हम लोग खा लिए। खा के जब यहाँ बेड पे आए तो लाइट आ गया, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। आ तो गया, चलो ठीक है, क्योंकि लड्डू बहुत ज़्यादा खिंचाइन कर रहा था हम अंधेला देख के। अभी खुश है, अभी खेल रहा है, अभी बेड पे सोना उना नहीं है इसको, सिर्फ खेलना है। ऐ बाप उलट गया टीना अभी तक उधर वो टीवी का देखे टिप टिप करते रहती है। पापा उठ के खाना उना खाएंगे, अभी उसी के लिए इंतज़ार कर रही हूँ बैठ के, उठेंगे तो खाना गर्म करके देना। तो गाइस थोड़ा सा हरासमेंट लग रहा है, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल का ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम ऑल ऑफ यू, बाय।